Hello and welcome to Thees Me Thees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. Ek aisa show jahan khabrein hongi fatafat, yani ek ke baad ek Thees khabrein. To intezar kis baat ka? Let's take a look. Thees khabrein fatafat. करण जौहर ने रखी फिल्म सैर 8 की स्क्रीनिंग और इस स्क्रीनिंग में नजर आए बी टाउन के कई सितारे। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, वरुण धवन जैसे कई सितारों ने इस फिल्म का उठाया मजा। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान अपनी रूमर गर्लफ्रेंड उलिया वेंटोर को गिफ्ट करेंगे एक शानदार घर। जी हां, सूत्रों के मुताबिक दबंग खान उलिया को बेस्ट लोकेशन पर घर देना चाहते हैं और इसीलिए काफी टाइम से वो इसकी तलाश करवा रहे थे। और अब खबर है कि दो लोकेशंस को सलमान ने किया है पसंद और जल्द ही इनमें से किसी एक लोकेशन वाले घर को दबंग खान कर देंगे फाइनल। वेल, लगता है अब यही घर होगा सलमान उलिया का नया आशियाना। 30 खबरें फटाफट। रणबीर कपूर एक बार फिर करेंगे अपना घर शिफ्ट। जी हां, खबर है कि जिस घर में रणबीर कटरीना से ब्रेकअप के बाद शिफ्ट हुए थे वहां भी पिछले 3 दिनों से वो नहीं रह रहे हैं। और अब खबर मिली है कि रणबीर ने नया घर कर लिया है फाइनल। सूत्रों की माने तो ये नया घर उन्होंने लिया है फराह खान की बिल्डिंग में। और दिलचस्प बात ये है कि कटरीना कैफ होंगी उनकी पड़ोसी। 30 खबरें फटाफट। दीपिका देंगी रणवीर सिंह को स्पेशल सरप्राइज। दरअसल काफी टाइम से दीपिका और रणवीर को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का नहीं मिला है मौका। दोनों ही अपने अपने काम के चलते एक दूसरे से काफी दूर थे और इसी की भरपाई करने के लिए दीपिका बना रही हैं प्लान। सूत्रों की माने तो दीपिका रणवीर के साथ एक वेकेशन प्लान कर रही हैं ताकि दोनों काफी टाइम के बाद बिता सके क्वालिटी टाइम एक साथ। 30 खबरें फटाफट। शाहिद कपूर को फोटो जर्नलिस्ट पर आया गुस्सा, दी उन्हें नसीहत। दरअसल हुआ यूं कि शाहिद अपनी वाइफ मीरा के साथ रूटीन चेकअप करवाकर हॉस्पिटल से लौट रहे थे और उसी दौरान हॉस्पिटल के बाहर खड़े फोटो जर्नलिस्ट करने लगे उनकी पिक्चर्स क्लिक। बस इसी बात पर साशा का पारा हो गया हाई। 30 खबरें फटाफट। अर्जुन कपूर की मैटरनल ग्रैंडमदर की प्रेयर मीट पर पहुंचे बॉलीवुड के कई चेहरे। तीस खबरें फटाफट। लेटर ऑन द शो, रणबीर कटरीना फिर आएंगे साथ। सलमान खान के फैंस सुल्तान की कंफर्म रिलीज डेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अब जूम को रिलायबल सोर्सेज से खबर मिली है कि ये फिल्म 7 जुलाई को रिलीज होगी। जी हां, फिल्म के मेकर्स ने फाइनली इस डेट को फाइनल कर दिया है और अब प्रमोशन के दौरान रिलीज डेट की अनाउंसमेंट जोरों शोरों से की जाएगी। 30 खबरें फटाफट। सोर्सेज की माने तो लंदन में करण जौहर के बर्थडे को सेलिब्रेट करने पहुंचे रणबीर कपूर ने शाहरुख खान की वाइफ गौरी के साथ मिलकर की खूब शॉपिंग। कहा जा रहा है कि गौरी ही रणबीर कपूर के नए घर के इंटीरियर्स को डिजाइन कर रही हैं। यही वजह है रणबीर खुद गौरी के साथ अपने घर की शॉपिंग के लिए गए। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली खबर आई थी वरुण धवन फिल्म जुड़वा 2 के मेकिंग प्रोसेस में काफी इंटरफियर कर रहे हैं, लेकिन अब एक न्यूज़पेपर से दिए इंटरव्यू में वरुण ने कहा है कि ये सारी न्यूज बकवास है और ये फिल्म उनके डैड डेविड धवन बना रहे हैं। ऐसे में क्रिएटिव प्रोसेस में ज्यादा इन्वॉल्व होने का सवाल ही नहीं उठता। 30 खबरें फटाफट। श्रद्धा कपूर आजकल फिल्म दिल्ली में हाफ गर्लफ्रेंड की शूटिंग कर रही हैं और दिल्ली के सेंट स्टीवेंस कॉलेज में श्रद्धा की शूटिंग के पिक्चर्स मीडिया में सामने आई हैं। श्रद्धा ने यहां फिल्म के एक रेन सॉन्ग को शूट किया। अर्जुन कपूर भी बहुत जल्द श्रद्धा को फिल्म के सेट पर ज्वाइन करने वाले हैं। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो सोनम कपूर को जैसे ही पता चला कि उनके अच्छे दोस्त धनुष ने उनकी फिल्म नीरजा नहीं देखी, सोनम ने तुरंत अपनी फिल्म नीरजा की एक डीवीडी धनुष को भिजवाई। सोनम को लगता है धनुष हर फिल्म पर अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं, ऐसे में वो जरूर जानना चाहेंगी कि धनुष को उनकी ये फिल्म कैसी लगी। 30 खबरें फटाफट।
सोनाक्षी सिन्हा और जॉन अब्राहम फोर्स 2 की शूटिंग में जोरों शोरों से लगे हुए हैं और हाल ही में फोर्स 2 की पूरी टीम हांगकांग रवाना हुई। हांगकांग में फिल्म के कुछ खास एक्शन सीन्स को शूट किया जाएगा, जिसकी ट्रेनिंग सोनाक्षी और जॉन ले रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली दीपिका की पब्लिसिस्ट टीम की एक मेंबर एक सड़क हादसे में घायल हो गई और जैसे ही ये न्यूज दीपिका को पता चली वो तुरंत अपनी टीम के इस मेंबर से मिलने पहुंची। यही नहीं, दीपिका ने सारे मेडिकल एक्सपेंसेस बेयर किए और अपनी स्टाफ को भरोसा दिलवाया है कि फ्यूचर में भी होने वाले एक्सपेंसेस को वो बेयर करेंगी। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो विवेक ओबरॉय को उनकी फिल्म राय के मेकर्स ने कहा है कि उन्हें फिल्म में अपने इस रोल के लिए बहुत सारा वेट गेन करना होगा और लूज भी करना होगा, क्योंकि ये कैरेक्टर की डिमांड है और कहा जा रहा है कि विवेक ने ऑलरेडी इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया है। 30 खबरें फटाफट। फिल्म उड़ता पंजाब में टॉमी सिंह के रोल के लिए शाहिद ने कितनी मेहनत की है ये उन्होंने रिसेंटली किया सबके साथ शेयर। अपने सोशल हैंडल पर अपनी पिक्चर्स अपलोड करते हुए शाहिद ने लिखा, टॉमी प्रेप, डेल्टा डेथ, टॉमी प्रेप, टॉमी गॉट बैक, टॉमी प्रेप, वार्म अप। 30 खबरें फटाफट। फिल्म रॉकी हैंडसम के बॉक्स ऑफिस फेलियर से जॉन ना हो ज्यादा डिसअपॉइंटेड, इस बात का वाइफी प्रिया रख रही हैं खास ख्याल। सोर्सेज की माने तो जॉन की कमबैक फिल्म के अच्छा बिजनेस ना करने के बाद प्रिया आजकल स्पेशल एफर्ट्स ले रही हैं ताकि जॉन अपसेट ना हो। 30 खबरें फटाफट। यह है संजय और उनके बेटे शाहरान का लेटेस्ट पिक्चर, जिसे मान्यता दत्त ने अपने सोशल हैंडल पर शेयर किया है। इस पिक्चर में संजय और शाहरान का हेयर स्टाइल एक जैसा दिख रहा है। इस क्यूट पिक्चर को शेयर करते हुए मान्यता ने लिखा, द टू मोस्ट अमेजिंग मैन इन माय लाइफ। 30 खबरें फटाफट। यह है रणवीर सिंह का हॉट अवतार। फिल्म बेफिक्रे के लिए जी जान से मेहनत कर रहे रणवीर की ये पिक्चर उनके ट्रेनर ने सोशल मीडिया पर अपलोड की है। इस पिक में रणवीर की फिजिक बहुत डिफरेंट लग रही है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने इस लुक को पाने के लिए कितनी मेहनत की है। 30 खबरें फटाफट। कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर एक बार फिर से ऑन स्क्रीन साथ नजर आ सकते हैं। सोर्सेज की माने तो संजय दत्त चाहते हैं कि उनकी लाइफ पर बन रही फिल्म में मान्यता का रोल कैटरीना प्ले करें और खुद फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने फिल्म का ऑफर कैटरीना को दे दिया है। हालांकि कैटरीना ने अभी इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन खबरों की माने तो कैटरीना भी इस फिल्म को करना चाहती है। 30 खबरें फटाफट। फिल्म उड़ता पंजाब कंट्रोवर्सी पर अब तक चुप आलिया ने तोड़ दी है अपनी चुप्पी। एक इंटरव्यू के दौरान अपनी फिल्म को सपोर्ट करते हुए आलिया का कहना था, आई एम नॉट सिटिंग हियर एंड जजिंग एनीबॉडी हु इज कंज्यूमिंग ड्रग्स। द पॉइंट ऑफ द फिल्म इज नॉट टू पास जजमेंट बट टू शो यू द लाइट दैट यस इट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम एंड वी एम्पथाइज विद यू। 30 खबरें फटाफट। कमिंग अप ऑन द शो, आमिर की पिक्चर ने लोगों को किया शॉक। खबरें फटाफट। सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे के ब्रेकअप के बाद अंकिता ने एक बार फिर से अपनी करियर की ओर फोकस करना शुरू कर दिया है। अंकिता के क्लोज फ्रेंड्स की माने तो सुशांत की वजह से उन्होंने कई अपॉर्चुनिटीज छोड़ दी थी और अब एक बार फिर से अपने करियर को पटरी पर लाने की कोशिश में अंकिता लग चुकी हैं। रिसेंटली अपने सोशल हैंडल पर अपनी पिक्चर अपलोड करते हुए उन्होंने लिखा, हु लॉस्ट आउट ऑन हु, योर थॉट्स। 30 खबरें फटाफट। अपने काम की वजह से इमरान हाशमी को कैंसिल करनी पड़ी अपनी छुट्टियां। दरअसल इमरान अपनी फैमिली के साथ कनाडा जाने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर काम आने की वजह से उन्हें अपनी वेकेशन कैंसिल करनी पड़ी। हालांकि इमरान ने अपनी वाइफ और बेटे को कनाडा भेज दिया है और वो अपना काम खत्म करने के बाद उन्हें वहां ज्वाइन कर सकते हैं। 30 खबरें फटाफट।
दंगल की रिलीज डेट 16 दिसंबर 2016 फिक्स हो गई है। खबरें थी कि आमिर खान की दंगल और सलमान खान की सुल्तान में सिमिलैरिटीज होने की वजह से आमिर ने अपनी फिल्म दंगल को 2017 में रिलीज करने का फैसला किया था, मगर अब खबर है कि दंगल इस साल ईयर एंड में रिलीज हो रही है, लेकिन 23 दिसंबर की जगह ये फिल्म उससे पहले यानी कि 16 दिसंबर को थिएटर्स में आएगी। 30 खबरें फटाफट। आमिर खान की इस लेटेस्ट पिक्चर ने एक बार फिर लोगों को शॉक कर दिया। फिल्म दंगल के लिए ये आमिर का एक नया लुक है। फिल्म में आमिर खान रेसलर महावीर फोगाट का रोल प्ले कर रहे हैं और इस पिक्चर में यंगर महावीर फोगाट नजर आ रहा है। रिसेंटली आमिर खान ने अपनी ये पिक्चर आउट की है। वेल वी मस्ट से रिप्ड मसल्स, चिजल्ड चेस्ट और बाइसेप्स के लिए आमिर ने काफी मेहनत की है। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा की मेड इन भोजपुरी प्रोडक्शन बम बम बोल रहा है काशी का प्रोटेस्ट किया जा रहा है। प्रियंका को इसके लिए बेहद क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। दरअसल फिल्म वाल्गा और ऑब्सीन होने की वजह से कहा जा रहा है कि प्रियंका चोपड़ा ने इस तरह की फिल्म बना के भोजपुरी इंडस्ट्री को डीफेम किया है और इसीलिए फिल्म मेकर्स अक्रॉस द स्टेट पीसी को ओपन लेटर लिख रहे हैं। नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर नितिन एन चंद्रा भी काफी हर्ट हैं और उन्होंने कहा है, एट अ टाइम व्हेन माय मदर टंग भोजपुरी इज फाइटिंग फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, प्रियंका हैज नॉट ओनली डी famed herself but also besmirched her Padmashree award by producing a movie like this. 30 khabrein fatafat. उड़ता पंजाब वर्सेस सेंसर बोर्ड की फाइट में बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया है, जिसके अकॉर्डिंग अब फिल्म को सिर्फ एक कट और 3 डिस्क्लेमर्स के साथ रिलीज किया जा रहा है। वेल बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 13 कट्स के डिसीजन को भी बकवास बता दिया, जिसके बाद अब फाइनली जून 17 को ए सर्टिफिकेट के साथ फिल्म रिलीज हो रही है। 30 खबरें फटाफट। बाज है कि उलिया वेंटोर को सलमान खान की जय हो को स्टार डेजी शाह और सलमान की क्लोजनेस से इनसिक्योरिटी होने लगी है। वेल अब ये तो सब जानते हैं कि सलमान खान डेजी पर कितने मेहरबान हैं। सलमान खान ने डेजी को लग्जरी कार भी गिफ्ट की थी, पर इट सीम्स दैट उलिया डेजी और सलमान के रिलेशन से बिल्कुल खुश नहीं है। सुनने में तो ये भी आया है कि उलिया वेंटोर ने खान फैमिली के एल्डर मेंबर्स से भी इस रिगार्डिंग बात की है और शायद यही वजह है कि फ्रीक्वेंटली गैलेक्सी अपार्टमेंट विजिट करने वाली डेजी अब गैलेक्सी के बाहर स्पॉट नहीं की जाती। 30 खबरें फटाफट। खबर है प्राची देसाई ने 2 दिन में अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग करने के बाद फिल्म से वॉकआउट कर दिया है। जी हां, अजहर की रिलीज के तुरंत बाद प्राची ने फुटबॉल बेस्ड फिल्म पेनल्टी पोस्ट साइन कर दी थी और फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ दिन लखनऊ में फिल्म की शूटिंग करने के बाद प्राची को फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं आई पसंद और वो ये कहकर फिल्म से वॉकआउट कर गई कि जिस तरह से फिल्म की स्क्रिप्ट शेप अप कर रही है वो उन्हें पसंद नहीं आई। 30 खबरें फटाफट। इरफान खान की फिल्म मदारी के मेकर्स ने फिल्म में एक आइटम सॉन्ग डालने का फैसला लिया है। वेल मेकर्स को लगता है कि एक पावरफुल सब्जेक्ट और अच्छी कास्ट होने के बाद भी फिल्म को ज्यादा पब्लिसिटी नहीं मिल रही है और यही वजह है कि सीरियस सब्जेक्ट होने के बाद भी मेकर्स फिल्म में आइटम नंबर का तड़का लगाकर ऑडियंस की अटेंशन पाना चाहते हैं। 30 खबरें फटाफट। चित्रांगदा सिंह ने फिल्म मेकर कुशन नंदी की अपकमिंग फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज से वॉकआउट कर लिया है। दरअसल फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और चित्रांगदा के बीच एक इंटिमेट सीन था और चित्रांगदा को लगता था कि फिल्म का सीन समझते वक्त डायरेक्टर साहब ने उनसे बहुत रूडली बात की है और सोर्सेज की माने तो पूरी यूनिट के सामने हुए इस इंसिडेंट के बाद चित्रांगदा सिंह रोते हुए सेट से चली गई। 30% एक्स्ट्रा। रिसेंटली अमिताभ बच्चन नजर आए एक प्रमोशनल इवेंट पर, जहां वो एडवांस मैनेजमेंट लर्निंग सिस्टम लॉन्च करने के लिए आए थे। बिग बी यहां अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हुए नजर आए। 2 चीजें इंसान यदि अपने जीवन में एक बार सीख लेता है तो वो उसे कभी भूलता नहीं। एक है तैरना, स्विमिंग, दूसरा है साइकिल चलाना। सालों बाद भी अगर आप इन क्रियाओं को करेंगे तो कभी भी इस बात की चिंता नहीं होगी कि आपको स्विमिंग करना या साइकिल चलाना याद है कि नहीं। यू विल कॉन्फिडेंटली डू इट।
काश कि हम पढ़ाई भी इसी नजरिए के साथ करें। 30% एक्स्ट्रा। रिसेंटली दिया मिर्जा आई एक एनजीओ के लिए अपना सपोर्ट शो करते हुए नजर। ये एनजीओ बच्चों के लिए जरूरी चीजें अवेलेबल कराने का काम करता है और दिया ने बताया कि वो इस इवेंट से खुद को जोड़कर बहुत अच्छा फील कर रही हैं। और चैरिटी पर सुनिए दिया की राय। आई डोंट बिलीव इन चैरिटी, आई बिलीव इन सोशल पार्टिसिपेशन। आई थिंक दैट हम में हर इंसान में ये क्षमता है कि वी गिव आवर टाइम एंड वी गिव आवर रिसोर्सेज एंड वी शेयर व्हाट वी हैव अर्नड with as many as possible, and that is what leads to growth. 30% extra. Recently, Vivek Oberoi और रोहित शेट्टी एक इवेंट पर नजर आए जहां ये लोगों को कैंसर से अवेयर करने के लिए एंटी टोबैको कैंपेन का हिस्सा थे। वहां जब रोहित से पूछा गया कि उड़ता पंजाब में भी ड्रग्स के बारे में अवेयर किया जा रहा है पर मूवी अटक रही है, सुनिए उनका ओपिनियन। प्रॉब्लम ये है कि एग्जैक्टली उसमें प्रॉब्लम क्या है वो किसी को पता ही नहीं चल रहा है। अगर आप वो लिस्ट देखें तो वो कह रहे हैं कि पंजाब निकाल दो, एमएलए नहीं बोलेंगे, एमएलसी नहीं बोलेंगे, वगैरह वगैरह। एंड व्हाई दे आर डूइंग दैट नोबडी नोस। दैट्स व्हाट इफ यू सी अनुराग एंड एकता एंड एवरीवन आर क्वेश्चनिंग द सेंस ऑफ वोट के व्हाई। एंड जहाँ तक मुझे पता है या मैंने जो न्यूज चैनल्स में देखा, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें सेंसर बोर्ड को या किसी संस्था ने लेटर नहीं भेजा है। 30% एक्स्ट्रा। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की पॉपुलैरिटी हॉलीवुड में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हाल ही में प्रियंका को पीपल्स चॉइस अवार्ड दिया गया और कहा जा रहा है अमेरिका के पॉपुलर टीन चॉइस अवार्ड के लिए भी प्रियंका को नॉमिनेट कर लिया गया है। और अपनी नॉमिनेशन की खुशी को शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा, सो फन, थैंक यू टीन चॉइस फॉर द चॉइस टीवी ब्रेकआउट स्टार नॉमिनेशन फॉर क्वांटिको, एक्साइटेड ग्रेटफुल टीन चॉइस फॉक्स। 30% एक्स्ट्रा। बिपाशा बासु की अपकमिंग फिल्मों में बिपाशा का नाम बिपाशा बासु सिंह ग्रोवर होगा। वेल, इंस्टाग्राम पर अपना नाम बिपाशा सिंह ग्रोवर करने के बाद अब फिल्मों में भी बिपाशा के नाम के आगे करण सिंह ग्रोवर का सरनेम लगा होगा। हालांकि ट्विटर पर बिप्स अभी भी अपने पुराने नाम से ही है। आई ट्राइड चेंजिंग ऑन ट्विटर टू बट इट सेड दैट द नेम वाज टू लॉन्ग एंड डिडंट एक्सेप्ट इट। आई एम ऑल्सो चेंजिंग माई नेम्स फॉर फिल्म्स टू बिपाशा बासु सिंह ग्रोवर। इट्स अ फुल सेंटेंस एंड आई लव इट। 30% एक्स्ट्रा। अनिल कपूर का 24 सीजन 2 एक पॉपुलर कॉमेडी सीरियल को कर सकता है रिप्लेस। दरअसल 24 का सेकंड सीजन 17 जुलाई से ऑन एयर हो रहा है, लेकिन इस शो का टाइम स्लॉट अभी तक फिक्स नहीं किया गया है। तो ऐसे में सोर्सेस का कहना है कि अनिल कपूर का ये शो पॉसिबली कृष्णा अभिषेक के कॉमेडी शो के टाइम पर आएगा, क्योंकि टीवी चैनल ने रिसेंटली 8 बजे के स्लॉट में एक नया शो लॉन्च किया है और 9 से 10 का उनका स्लॉट ऑलरेडी रियलिटी शोज के नाम पर बुक्ड है।